आखिर एक रिश्ते को क्या खास बनाता है, प्यार, सेक्रीफाइस, फोकस या प्रायोरिटाइजेशन? चलिए इस उधेड़ बुन को जानते हैं और ट्राई सिटी के लोगों से पूछते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो एक रिश्ते को खास बनाती हैं। सच में रिश्तों की उधेड़ बुन कितनों की नींद उड़ा देती है। रिश्ता कोई भी हो, आजकल की दौड़ भाग और कंपटीशन के दौड़ में प्यार और रिश्तों को संजोकर, सहेजकर और सुलझाकर रखना आसान नहीं है। और फिर मन बहलाने के कितने ऑप्शंस भी तो हैं। ऐसे में चलिए जाने ऐसे क्या क्या एफर्ट्स और एटीट्यूड हैं जो एक रिश्ते को बुरे मौसमों से बचा के रखते हैं। तो टाइम स्पेंड करना, मतलब आजकल डेली लाइफ में इतना जैसे वी आर सो बिजी, मतलब एक दूसरे के लिए टाइम निकालना एंड टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, दैट्स अ थिंग, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज अगर लाइक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में देन देयर विल बी नो ट्रबल्स। अदरवाइज अगर एक को अलग लगता है दूसरे को अलग लगता है देन यू कैन नेवर मैच अप ईच अदर्स कंपैटिबिलिटी, यू नो। सो आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग। हमें हर बात शेयर करनी चाहिए पेरेंट्स से, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे सिस्टर हो, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है और भरोसा होता है कि ये हमसे सारी बातें शेयर करता है। बहुत कुछ समेटे रखने पर भी चाहने के बावजूद रिश्ता जरा सी खरोच नहीं सह पाता। ऐसा क्या है जो दो लोगों के बीच प्यार और लगाव होने के बावजूद दीवारें खड़ा कर सकता है? लाइज, लाइक डिसलॉयल्टी, ऑल दिस, लाइक if you're not loyal to a person, you're lying over something, then obviously if they come to know at some point of, because at some point or the other a person gets to know that you're lying, so they'll be like very betrayed type, so you shouldn't lie. Misunderstanding, jab hum bolna kuch aur jata hai par wo kuch aur samajhta hai to fir relationship mein thodi problem aa jati hai. We should have clarity in thought. Haan, clarity honi chahiye aur understanding honi chahiye taki hume samajh paaye hum jo bolna chahe समझ जाए। रिलेशनशिप कोई अगर टाइम ना दे, ठीक है, सबसे पहले तो यही आता है कि टाइम ना दे कोई, ठीक है। उसके बाद जब मतलब किसी वो टाइम किसी और को मिलने लग पड़ता है, वो है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है थोड़ी थोड़ी, मतलब छोटी छोटी बातें, लड़ाई झगड़ा। इफ़ द पर्सन इज नॉट ट्रस्टेबल, अगेन द सेम थिंग आई विल रिपीट, दैट विल किल द रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स इट। यस, फेथफुलनेस unworthiness, these things kill our relations. अगर आप ईमानदार नहीं हैं, बेईमान हैं towards the relationship with your father, with your parents, with your family, it will not work. हर रिश्ता two-way road की तरह है, और या फिर कह लीजिए weighing machine की तरह। जितना प्यार हम उसमें डालेंगे उतना मिलेगा। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप इज़ ट्रस्ट। अगर हम रिलेशनशिप में ट्रस्ट है तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक मम्मा एंड पापा, अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो दे थिंक, अगर उनको ट्रस्ट है अपने बच्चे पे तो दे थिंक कि हाँ हमारा बच्चा कुछ गलत नहीं करेगा। वो बाहर गया अपने फ्रेंड्स के साथ गया, अगर उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो हमें बता के गया, हमें उस पर ट्रस्ट है। लेकिन अगर पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं है तो एक बात आ जाती है फ्रीडम की, बच्चों को फ्रीडम नहीं मिलती और मम्मा पापा को हमेशा वरी होती है कि पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ गया है, किसके साथ है और कैसा है। तो आई थिंक ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप। ट्रस्ट, विश्वास, ये ऐसा शब्द है जो बुरे से बुरे वक्त में भी लोगों को जोड़े रखता है। कहते हैं ना, लव इज फेथ। रिलेशनशिप वर्क मोस्टली मतलब हमारा ट्रस्ट पे चलता है, ठीक है, हमारा टाइम स्पेंड करना उस पे चलता है, एंड मतलब मोस्टली यहाँ तक जब आज की बात की जाए ना तो मोस्टली टाइम स्पेंड करना। ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक, इफ द वन पर्सन इज नॉट ट्रस्टेबल देन द रिलेशनशिप विल नॉट वर्क। तो लॉयल्टी, बिलीफ, ट्रस्ट, truth, these things works for making relations. अगर हम अपने पेरेंट्स का या किसी का भी ट्रस्ट तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ी थिंग लाए, अगर हम झूठ बोलते हैं तो रिलेशनशिप 50% मर ही जाता है। एक रिश्ता कब, किस ओर और कहां का रुख कर ले, किस्मत के हाथ भी है। लेकिन उस किस्मत को बहुत हद तक बढ़ावा देने वाले हमारे अपने कर्म होते हैं। सो इफ लव इज आवर डेस्टिनेशन, लव हैज टू बी द इंटेंशन। प्यार दो और फिर देखो रिश्ता कहां जाता है। तो कुछ यूं कहना है ट्राई सिटी के लोगों का रिलेशनशिप्स के बारे में। वैसे सच ही तो है, आखिर कुछ तो है जो इन रिश्तों को बनाए रखता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए।
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।